कांग्रेस के सारे नेता राहुल गांधी जी को कह रहे हैं कि शिव का अवतार है, पोस्टर छपा रहे हैं कि शिव अवतार। तो हम तो मान लेते हैं कि शिव अवतार है, लेकिन कांग्रेसी हर चीज का प्रमाण मांगते हैं। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बने तो कांग्रेस के सारे नेताओं ने कहा कि राम पैदा हुए कि नहीं हुए, कहां हुए, प्रमाण दें। भारत के ऊपर जब आतंकवादियों ने हमला किया तो भारत की सेना ने, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आतंकवादियों के ठिकाने दो दो बार हमने नष्ट किए। कांग्रेस ने फिर प्रमाण मांगा पिछली बार के सर्जिकल स्ट्राइक में भी, उरी के बाद जो हुआ था उसमें भी, और पुलवामा के बाद भी प्रमाण मांगा। तो हम भी अब कांग्रेस के नेताओं से कह रहे हैं कि आप हमेशा प्रमाण मांगते हैं तो हाथ कंगन को आरसी के, अगर राहुल गांधी जी शिव अवतार हैं तो भगवान शिव ने जहर पिया था और नीलकंठ बन के उभरे और भगवान पूरी दुनिया में उनको नीलकंठ कहलाए, तो राहुल गांधी जी भी कांग्रेस के नेता उनको पिलाए और उसके बाद में अगर वो नीलकंठ पीने के बाद में नीलकंठ बन के अगर रह जाएंगे तो हम भी मान लेंगे, हम भी उनको प्रणाम करेंगे, मानेंगे वाकई में शिव। क्या पिलाने की बात हो रही है? क्या पिलाने की बात हो रही है? क्या पिलाने की बात हो रही है? जो भगवान शिव ने पिया था वो ये पिए, उनको क्या 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 मतलब क्या पिएगा भगवान शिव? भगवान शिव जहर पीकर पूरे दुनिया को अमृत दिया और अपन जहर पीकर भगवान नीलकंठ हो गए, तो अगर ये शिव अवतार है राहुल गांधी जी तो जहर पी के देखे और पूरे दुनिया के अंदर नीलकंठ कहलाएंगे, हम भी नीलकंठ मानेंगे उनको। जनता को मूर्ख ना बनाएं।